हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि एक ईमेल कैसे सेंड किया जाता है। तो ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम ईमेल टाइप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर, आपको ये दिख रहा होगा शॉर्टकट, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आपके इसमें शॉर्टकट शायद नहीं होगा तो आप इस पर ऐड करके यहाँ पर ईमेल लिख दीजिए और यूआरएल में आप जीमेल का यूआरएल पेस्ट करके डन कर दीजिए, तो फिर आपके इसमें ऐसा शॉर्टकट आ जाएगा। तो अब हम जीमेल ओपन करेंगे और ये देखिए ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर। तो अब हमें सबसे पहले ईमेल सेंड करने के लिए आपको एकदम लेफ़्ट साइड पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंपोज, तो कंपोज पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप कई ऑप्शन दे सकते हैं, इनबॉक्स, मतलब इनबॉक्स में सभी पूरे आए हुए मैसेजेस, ईमेल्स सब दिखाई देंगे, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट और सेंट, आपने जो सेंड किए हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हम कंपोज करेंगे और ये देखिए कंपोज पर क्लिक कर दे, हमारे सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। हमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है टू, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें किसे ईमेल सेंड करना है। तो हम करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, तो इसे सेंड करके देखेंगे। और हमें जो भी चीज़ मैसेज या ईमेल कुछ सेंड करना है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया है, अब हम इसे सेंड करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर इमोजीज भी हैं, ये देखिए आप, हम ऐसे इमोजीज भी, यहाँ पर कई सारे इमोजीज हैं, जो चाहे वो भेज सकते हैं आप। और ये देखिए आप अटैचमेंट फाइल्स भी है, आप जो भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। और ये देखिए अगर आपने अपने ड्राइव में कुछ फाइल्स सेव की होंगी तो आप अपने ड्राइव में से भी इसमें अटैचमेंट ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो अब हम इसे सेंड करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब हम इसे सेंड कर देंगे। ये देखिए मैसेज सेंड, यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है हमें कि सेंड हो चुका है। इसी तरह से हम किसी को भी जीमेल से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। अगर आपको पता था तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।